अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, एक सवाल और मैं एक बार फिर खुश आमदीद। मैं हूँ आपका होस्ट अब्दुल्ला। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और विंटर वेकेशन इन्जॉय कर रहे होंगे। नाज़रीन अकराम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बॉलीवुड मॉल हैदराबाद में, जहाँ पर लोगों के लिए विंटर फेस्टिवल का अहतमाम किया गया है और नया साल भी आने वाला है, तो इसलिए हम लोगों से कुछ इंटरेस्टिंग और फ़नी क्वेश्चंस करेंगे, तो एंड तक हमारे साथ रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम अवैस अली है। अच्छा माशाल्लाह, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? मैं इंटर। अच्छा, तो आप मुझे पांच ऐसी चीज़ों का नाम बताएं जो सिर्फ सर्दियों में पहनी जाती है। जैकेट, शाल, स्वेटर और क्या होता है, और जो ऊपर से पहनते हैं उसको क्या बोलते हैं? टॉप। हाँ टॉप, ठीक है। हाँ। आखिरी पांच तो हो गई ना, चार हो गई। एक जैकेट, शाल, स्वेटर और टॉप, और जो कान पे कन पट्टी। क्या क्या बोला तूने? कन पट्टी। आतिफ रोहन साहब, आपकी 2023 में कोई ख्वाहिश है, रिजोल्यूशन है जो आप पूरी करना चाहेंगे? 2023 में क्या ख्वाहिश होनी है, यही ख्वाहिश होती है एक मर्द की, तो के जल्द से जल्द कामयाब होकर अपने माँ बाप का सहारा बन जाए, बंदा काबिल हो जाए कि अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, अपनी हर चीज़ खुद अफोर्ड कर सके। बस यही विशेष होती है, और एक विश सबसे बेस्ट जो है वो इंसान की ये होती है कि वो जिससे मोहब्बत करता है उसका लाइफ पार्टनर मिल जाए, उसके साथ वालदैन के साथ मक्का मदीना देख के आ जाए, बस यही विशेष है अल्लाह पाक। अच्छा, 2023 में आपका कोई मेमोरेबल मोमेंट जो हुआ वो आप कभी नहीं भूल सकते? जी, 2023 में एक ऐसा दिन हुआ है, वो हुआ था मेरे साथ मिल के अंदर जब मैं काम कर रहा था। अच्छा, ठीक है। तो ये हुआ था कि रात के 2 बजे मैं नाइट ड्यूटी में था, तो छोटा सा बच्चा मुझे बुला रहा था, मैं उस बच्चे की जानिब गया तो वो बच्चा गायब। 6 दिन तक हालत नासाज थी, उसके बाद अल्लाह का शुक्र है सेठ, अब ये चलते फिरते बच्चों पे भी भरोसा नहीं करता हूँ। दर्द लगता है इंसान को, क्या पता ये भी वही चीज़ ना हो, तो बचिए। आयतुल कुर्सी वगैरह पढ़ी थी आपने? अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ पढ़ ली थी, लेकिन क्या करें, आप बस दिखनी थी, अभी देख लें, अब यहाँ पे ही देख लें, बॉलीवुड में कितनी प्यारी प्यारी बलाएँ आई हैं देखने को। चले, आप मुझे ऐसी चीज़ें बताएं जो सिर्फ विंटर्स में पहनते हैं, पहनने की शॉल्स होती हैं, ग्लव्स, सॉक्स, जैकेट्स एंड हुडीज। तो इस वक्त हमारे पास बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं जो बॉलीवुड मॉल में विंटर्स वेकेशन मना रहे हैं, तो हम इनसे आज उनकी रिजोल्यूशन पूछेंगे। आपकी न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या है? मैं अपनी मम्मा के साथ हेल्प करवाऊंगी उनकी। अच्छा, जबरदस्त। हैप्पी न्यू ईयर 2024। थैंक यू। आपकी न्यू ईयर रिजोल्यूशन क्या है? मैं जैसे कि मैं गुस्सा ज़्यादा करती हूँ, तो मैं न्यू ईयर में मैं गुस्सा नहीं करती। आपको गुस्सा बहुत आता है, न्यू ईयर पे कोई मैसेज देना चाहेंगे आप हमारे व्यूअर्स को? न्यू ईयर जो है ना, उसमें खैरियत हो, हर चीज़ सही हो, कोई मसला नहीं हो, और सही हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह 2024 सही साल हो। ओके, आप 2023 की कोई गलती बता सकती हैं जो आपने गलती की हो 2023 में? हाँ, वो मैंने अपनी दोस्त को चमाट मारी थी ना, इसलिए वो मुझे छोड़ के चली गई। ओहो, सो सैड। ओके, हैप्पी न्यू ईयर बोलने हमारे व्यूअर्स को। हैप्पी न्यू ईयर। कोई आपका न्यू ईयर रिजोल्यूशन है जो 2024 में आप ज़रूर करना चाहेंगे, कोई गोल वगैरह? देखें, 2023 तो हमारा बहुत वो जो है ना, ऐसे नहीं गुजरा इतना खास जो जैसे गुजरना चाहिए था। होप अपॉर्चुनिटीज़ हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं 2024 के लिए, जैसे कि हम बढ़ना चाहते हैं आगे, और इसके अलावा 2024 के अंदर जो है अचीवमेंट की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह, कोशिश करेंगे कि जो है बेहतरी हो हमारे मुल्क के अंदर। अच्छा, आपकी कोई न्यू ईयर रिजोल्यूशन है? हाँ है ना, मैं अपनी न्यू जॉब करना चाहती हूँ, उसके लिए अलग कार लेना चाहती हूँ, आईफोन लेना चाहती हूँ। तो आप ऐसी चीज़ों के नाम बता सकते हैं पाँच जो सर्दियों में पहनी जाती हैं? स्वेटर, सही है, जैकेट और हीटर। हीटर हीटर पेन पहनी और बस यही। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। नाम क्या सर आपका? नौशाद अली। आपका क्या नाम? गजल, मिसेज नौशाद। आपको पता है न्यू ईयर भी आने वाले और सर्दियाँ भी चल रही हैं, तो सर्दियों में पहनी जाने वाली कोई पांच चीज़ें बता सकते हैं आप दोनों? ट्राउज़र, ग्लव्स, टॉप, अपर जो बोलते हैं, सॉक्स एंड जैकेट। अच्छा, आपकी कोई न्यू ईयर रिजोल्यूशन है या फिर जो 2024 में आप पूरा करना चाहेंगे, कोई काम हो, कोई घूमने की ख्वाहिश हो?
इंशाल्लाह घूमने जाएंगे कराची बैरियर टाउन न्यू ईयर में। अच्छा अच्छा, वहाँ पे मनाएंगे इंशाल्लाह। और बॉलीवुड मॉल आके आपको अच्छा लग रहा है, कैसा सजा हुआ है? बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे। मॉल भी अच्छा है माशाल्लाह, शॉपिंग मॉल भी बहुत अच्छा है, ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर अली है। अच्छा माशाल्लाह हैदर अली, आप सुपर हीरो मूवीज़ देखते हैं? यस। आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा? आयरन मैन। अच्छा, आयरन मैन की सुपर पावर क्या है, आप इतना बताएं। आयरन मैन की सुपर पावर रॉकेट, वो शूट कर सकता है, लेजर शूट कर सकता है और बहुत सारी चीज़ें और कर सकता है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन है आपकी कोई, नए साल पे मैं ये काम ज़रूर करूँगा इंशाल्लाह, मैं अपने गांव जाऊँगा। 2023 में ऐसी कौन सी चीज़ थी जो आपने गलती की और आपको अफसोस है उस बात का, कि काश नहीं करता हूँ? ऐसी तो कोई भी नहीं की, सारे अच्छे काम ही किए हैं, तो इसमें शादी की है, ये अच्छा काम किया है। ठीक ठाक है, वेरी गुड। अच्छा, अभी यहाँ पे घूमने हैं, कैसा लग रहा है मॉल आपको, कैसा सजा हुआ है? बहुत अच्छा, ये जो बाहर हमने देखा है क्रिसमस की तैयारी के हवाले से जो है ना, वो बहुत अच्छा है कि ये यहाँ पे किसी भी मज़हब को डिग्रेड नहीं किया जा रहा, हर एक चीज़ को मैन्युएट करके आगे रखा जा रहा है, कि जैसे क्रिश्चियनों का इवेंट है तो उसको भी वो आगे रख रहे हैं, ताकि वो एक मैसेज के तौर पे हम हर चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। आपके पास कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन है जो आप 2024 में ज़रूर करना चाहेंगे? एक्चुअली दूसरों की हेल्प करना। नौमान भाई, आपके कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन है तो 2024 में आप कर रहे हैं? मैं शादी करना चाहूँगा। मैं शादी करना चाहूँगा। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। अच्छा चले, गुड लक फॉर देट। और सर्दियाँ भी हैं आपको पता नहीं? कोई 5 चीज़ों के नाम बता दें जो सर्दियों में पहने जाती है। जैकेट सही है, कोट, हुडी सही है, अपर सही है, और शॉल सही है, ज़बरदस्त है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ज़हावा मुजीब। अच्छा, क्या करती हैं आप? I'm an author and I write my own books on e-books. I write e-books. Topic बता सकते हैं आप? मैं मोस्टली रोमांस नॉवल्स लिखती हूँ, आजकल काफ़ी इन चल रही यंग अडल्ट में, और वेयरवुल्फ फैंटेसी वगैरह भी मुझे बहुत शौक है, उस तरह की चीज़ें भी मैं लिखती हूँ। अच्छा, आपकी कोई न्यू ईयर रेजोल्यूशन है? न्यू ईयर रेजोल्यूशन यही है कि अब ज़्यादा अपने आप को राइटर्स ब्लॉक से बाहर निकाल के बुक्स लिखने में और इन्वॉल्व होना है। मैं इतना नहीं कर पाती, मैं जॉब भी करती हूँ, टीचर भी हूँ इंग्लिश की, तो वो चीज़ों से भी हट के मुझे राइटिंग पे फोकस और ज़्यादा करना है, मेरा इस दफ़ा और ये गोल है। मोहम्मद वकास साहब, 2024 आने वाला है, तो ऐसी कौन सी बुरी आदत है जो आप छोड़ के जाना चाहेंगे 2023 में? मेरी बुरी आदत एक ये है कि हद से ज़्यादा रहम नहीं करना चाहिए। अपने आप में थोड़ी सी मैं रखनी चाहिए, मैं बिल्कुल ख़त्म नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी होनी चाहिए। आज के दौर में जो है ना, मैं बिल्कुल ख़त्म कर दें तो बंदा बस फजूल है। आज के दौर में मेरा ख्याल है कि मैं थोड़ी सी होनी चाहिए, और ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है, लेकिन आज का दौर ऐसा नहीं है कि थोड़ी सी मैं ज़रूर रखनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, मेरा नाम बिलावल है। और आपका? और मेरा शेजोर। क्या करते हैं आप दोनों? हम पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है जितना। आई एम स्टूडेंट, आई स्टडी क्लास 9। अच्छा माशाल्लाह, 2023 में ऐसी कौन सी आदत है बुरी जो आप 2024 में छोड़ के जाना चाहेंगे? यार हमारी ये आदत है, हम चक्कर में पड़ गए थे, हम बोलते हैं हम छोड़ना चाहते हैं यार, सही नहीं था ये। हाँ यार, हम भी चक्कर में ऐसे पड़ गए, हम पढ़ नहीं पा रहे थे, इस वजह से हमें 2024 में पढ़ना होगा। ठीक ठाक है, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम, क्या क्या नाम है आपके? अब्दुल राफी समीर। अच्छा माशाल्लाह समीर, आप सुपर हीरो मूवीज देखते हैं? यस। आपका फेवरेट सुपर हीरो कौन सा? आयरन मैन। अच्छा, और आपका कौन सा फेवरेट सुपर हीरो है? स्पाइडरमैन। स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन की एक सुपर पावर बता सकते हैं आप? क्लाइंबिंग ऑन द टावर। वाओ जबरदस्त, आप बताइए सुपर पावर आयरन मैन की। फायर। फायर, स्पाइडरमैन का एक्शन करके दिखाएं, कैसे एक्शन करता है वो? ओए जबरदस्त। आपका 2023 का सबसे बेस्ट मोमेंट कौन सा रहा, कुछ याद है आपको? यस, व्हेन ही वाज बोर्न माय सन। अच्छा माशाल्लाह, उनका नाम क्या है? हिज नेम इज इबाद अली। क्या नाम है आपका? हसन आसिफ। अच्छा, कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? क्लास 5। अच्छा, बॉलीवुड मॉल आके कितना मजा आ रहा है आपको? हम अक्सर कर यहां पर आते रहते हैं और ये मेरा फेवरेट मॉल है, और हैदराबाद के लिहाज से तो ये नंबर 1 मॉल है, क्योंकि यहाँ पर ये बहुत अच्छा मॉल है और ये बहुत बड़ा है,
बच्चों के हिसाब से यहाँ पर बहुत अच्छी प्ले एरिया है, जहाँ पर बच्चे घूम सकते हैं और यहाँ पर जो फूड कॉर्नर है वो भी है। आपको सुपर पावर पसंद है, सुपर हीरो पसंद है कोई? वंडर वुमन। सॉरी, वंडर वुमन। अच्छा, आप उनके पावर बता सकती हैं, उनकी कौन सी सुपर पावर है जो आपको मिल जाए तो आपको बहुत मजा आएगा? उसकी एक रोप होती है जो वो बंदों पे बांध देती है और उसको सच पता चल जाता है। अच्छा, जबरदस्त। 2023 का कौन सा मेमोरेबल मोमेंट है, खुशगवार मोमेंट है आप दोनों का, जो शेयर करना चाहेंगे आप? मेमोरेबल मोमेंट जो था वो बर्थडे का होता है मेरे लिए, तो हमारा मतलब फ्रेंड के साथ फन फेयर करना, फन फेयर करना, जो फन फेयर होते हैं। 2023 का आपका सबसे फेवरेट सॉन्ग कौन सा है? कहानी सुनो। कहानी सुनो, जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। आप कौन है? मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। आप कौन है? छुट्टियों में मजा आ रहा है? यस। कहाँ कहाँ घूमने गए आप लोग? हम अभी नानी के थे, यहाँ बॉलीवुड आए। बॉलीवुड मॉल में मजा आ रहा है? यस। अच्छा, पांच ऐसे चीजों के नाम बताओ जो सर्दियों में खाते हैं हम लोग। अंडे, स्ट्रॉबेरी, ऑरेंज और ना अंडे, मूंगफलियां। ऐसी चीजों के नाम बता सकते हो पांच जो सर्दियों में खाते हैं हम? सर्दियों में हाँ, क्यों नहीं, बताओ बताओ। आगा चना मिर्ची, यखनी और सूप। सही है। मछली सही है। सही है। गाजर का हलवा। वाह वाह, सही है, सही है ना, जबरदस्त। और क्या क्या चीज? शादी हो गई आपकी? नहीं, शादी अभी होएगा 2025 में। 25 हुई? पच्चीस। चलो फिर इंशाल्लाह। तो कुंवारे मरेंगे अल्लाह। आपको पता है न्यू ईयर आने वाला है, तो आपकी कोई न्यू ईयर रिजोल्यूशन है? हाँ, मैंने फार्म हाउस जाना है। बस, और कोई बड़ी ख्वाहिश नहीं आपकी? नहीं। अच्छा, पांच ऐसी चीज़ें बता दें, क्योंकि सर्दियाँ आई हुई हैं, न्यू ईयर भी आने वाला है, जो हम खाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ सर्दियों में, ज़्यादातर खाया जाता है। सूप पीते हैं, फिंगर फिश खाते हैं, ड्राई फ्रूट्स खाते हैं और पीनट्स खाते हैं, उसके अलावा पाए। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? वालेकुम सलाम, लियाकत अली कुरैशी। आपके बेटे का क्या नाम है? मोहम्मद ईसा। माशाल्लाह, 2024 आने वाला है, आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? मेरी दुआ है कि जो 2024 हमारे मुल्क के लिए नेक कमनाओं और खुशहाली का साल हो और हमारे मुल्क में तरक्की हो, और इलेक्शन का भी साल है ये। इलेक्शन में क्या होता है वो तो अल्लाह ही बताएगा, पर इंशाल्लाह 24 में पाकिस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा। अच्छा, फेवरेट सॉन्ग कौन सा था आपका 2023? सिंफ एहन। अच्छा, गा के सुना सकती हैं? जी। चले उस बादल पे, उड़े उस आंचल पे, हमारे साथ है दुनिया, हमारे हाथ है दुनिया, हम अपनी गीत लिखेंगे, हम अपनी रीत लिखेंगे। तो नाज़रीन, ये था हमारा विंटर्स और न्यू ईयर स्पेशल एक सवाल और। यकीन है आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और हम नए साल को इसी पॉजिटिव थिंकिंग के साथ वेलकम करेंगे कि एक दूसरे का साथ दें। हमारी पूरी जेम्स टीवी की टीम की तरफ से आप सब लोगों को हैप्पी न्यू ईयर, और अपनी खुशियों को मजीद बढ़ाने के लिए बॉलीवुड मॉल भी तशरीफ़ लाएँ, जहाँ पर शॉपिंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी हासिल हो सकती है। अपने होस्ट अब्दुल्ला को दीजिए इजाज़त, और कॉमेंट्स करना ना भूलिएगा ताकि हमें पता चले आपको प्रोग्राम कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year! Happy New Year!